यूपी एलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए इंटीग्रेशंस का वीडियो नंबर है थर्ड। अब इसमें चालू हो रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो इसमें थोड़ा सा इसके लिए कुछ फॉर्मूले बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हमको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूले इंक्रीजिंग हो रहे हैं उन फॉर्मूले को यहाँ पे रखा जा रहा है। जैसे कि एक फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। एंड तीसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये तो जनरल सी फॉर्म है। और बाकी जो क्वेश्चन हैं, बाकी भी फॉर्मूले इन्होंने बना रखे हैं, बाकी फॉर्मूले हैं, तो उसको हम फॉर्मूला नहीं लेके लेट करके क्वेश्चन करेंगे, तो ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है, ज़्यादा बेटर कंडीशन उसमें आ जाती है, ठीक है। और फॉर्मूला है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स टेन एक्स डी एक्स का होगा माइनस का लॉग मोड ऑफ कोस एक्स प्लस सी या लॉग सेक एक्स प्लस सी। एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स कोटेक्स का होता है लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस सी। एंड एक है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का होगा लॉग टेन एक्स बाई टू या लॉग कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स लॉग टेन एक्स बाई टू। एक दूसरा फॉर्म इसका और होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स प्लस सी, ठीक है। एंड कोसेक एक्स का हो गया। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स में भी एक फॉर्मूला बाकी है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। ये फॉर्मूले इन एक्सरसाइज में यूज होंगे, अगली वाली टर्म में यूज होने वाले हैं। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी एंड लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला इन एक्सरसाइज में आगे के फॉर्म में यूज़ होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है जैसे हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जैसे एक्स प्लस टू का क्यूब है, ठीक है। अभी तक केवल x का क्यूब था, x के क्यूब में फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे एक एक्स पावर एन का एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इसमें भी अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कुछ फंक्शन जुड़ जाता है, घट जाता है, मल्टीप्लाइंग हो जाती है, डिवाइडिंग हो जाती है, तो फंक्शन थोड़ा चेंज होगा, तो उस फंक्शन को कुछ ना कुछ लेट कर लीजिएगा। लेट किया टी डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी, जिस फंक्शन को मानते हैं उसका टी जो मानेंगे टी माना टी के रेस्पेक्ट में, जेड माना जेड के रेस्पेक्ट में, जो भी टर्म हम मानेंगे उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। डी अपॉन डी टी एक्स प्लस का टू इक्वल टू डी टी बाई डी टी, यानी कि यह होता है डी डी एक्स अपॉन डी टी, इसका जीरो हुआ, ये डी टी बाई डी टी वन हो जाएगा, यानी कि डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिएगा हम लोग आगे के टर्म में बहुत डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी एक्स का क्या हुआ डी एक्स एंड टी का हुआ डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है, यही तो करते हैं। पर होता है ये सब करने के बाद नेक्स्ट में जब करते चले जाएंगे एक एक दो क्वेश्चन में तो बताना पड़ेगा हैं इस तरह से हुआ है, नहीं तो उसको डायरेक्ट लिखा जाएगा डी एक्स का डी इक्वल टू डी टी हो जाएगा। एंड यहाँ पर टी क्यूब डी टी हो गया, टी क्यूब का यानी टी की पावर फोर बाई फोर, टी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया एक्स प्लस टू की पावर फोर अपॉन फोर प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस टू की पावर फोर अपॉन फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई खास अंतर नहीं पड़ा है। जैसे क्वेश्चन अगर है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट फोर एक्स प्लस फाइव है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अंडर रूट फोर एक्स प्लस फाइव, यानी कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर एक्स प्लस का फाइव की पावर वन बाई टू डी एक्स। तो यहाँ पे लेट करेंगे फोर एक्स प्लस फाइव को टी लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे हमने एक्स को डी एक्स लिखा या जीरो टी का डी टी, डायरेक्ट अगर कर देते हैं तो वन अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन बाई फोर डी टी आ गया। डी एक्स इक्वल टू वन बाई फोर डी टी यानी डी एक्स की जगह वन बाई फोर डी टी रखेंगे, या टी की पावर वन बाई टू इंटू वन बाई फोर डी टी, तो वन बाई फोर कॉन्स्टेंट बाहर निकालेंगे एंड टी का टी की पावर वन बाई टू हो जाएगा थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू प्लस सी। यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, ये टू वन बाई सिक्स है, टी की पावर थ्री बाई टू यानी कि फोर एक्स प्लस का फाइव की पावर थ्री बाई टू प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह सा क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन अगर इस तरह सा है वन अपॉन जैसे फाइव एक्स प्लस फोर की पावर टू
इस तरह से अगर है तो क्या करेंगे, तो पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये होगा 5x प्लस 4 की पावर माइनस 2 dx माइनस 2 dx, यानी कि हम 5x प्लस 4 को t लेट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी 5 dx इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx इक्वल टू 1/5 dt, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आया i इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 2, ये एंड dx की वैल्यू है 1/5 dt, तो ये हो जाएगा 1/5 एंड t की पावर माइनस 2 dt, तो 1/5 एंड t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, तो 1/5 t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, यहाँ हो जाएगा 1/5 वन अपॉन t यानी 1/5x प्लस 4 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट में भी इसी टाइप से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे हमारा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जैसे 25 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखिएगा इसमें कुछ टी लेट मन करने की ज़रूरत नहीं है, 5 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट dx इक्वल टू था 1/a साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, नहीं इसमें 1/a नहीं होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, टेन वाले में 1/a होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस सी, ए की जगह क्या चल रहा है 5 चल रहा है, तो हुआ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 5 प्लस सी, वह सी इज एन इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। अगर यही क्वेश्चन इस तरह से हो जाए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस का 9x स्क्वायर हो जाए, तो 9x स्क्वायर में यानी कि केवल x स्क्वायर था तो t डिलेट नहीं करना पड़ा था, तो यहाँ पे जो है t डिलेट करना पड़ेगा, 3x का स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी कि जो फंक्शंस यानी x होता है, x की टर्म में मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कुछ होता है तब उसको t डिलेट करते हैं, तो 3x को हमने t डिलेट किया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3dx इक्वल टू dt आएगा एंड dx इक्वल टू 1/3 dt आया, तो ये हो गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस का t स्क्वायर और dx की जगह 1/3 dt, यानी 1/3 इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन इनवर्स टी 1/3 साइन इनवर्स टी की जगह 3x है प्लस सी, 1/3 साइन इनवर्स 3x अपॉन सी, ये हो गया। नेक्स्ट टाइम में आगे चलते थोड़ा थोड़ा जैसे स्टार्टिंग हो रहा है अभी, इसको डायरेक्ट भी लिखा करेंगे, जैसे इतने का इंटीग्रेशन है तो उसको हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, ठीक है, जब पार्ट्स वाला इंटीग्रेशन आएगा तो वहाँ पे बीच बीच में इंटीग्रेशन को लिखना होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इन फॉर्मूला का यूज़ तो होता है बट डायरेक्ट हम कर दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं स्टार्टिंग से अगर अच्छा हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे है 5+2 माइनस का 3x का होल ऑफ स्क्वायर, ये दूसरी फॉर्म हो गया 2-3x का होल ऑफ स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेना है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2-3x का होल ऑफ स्क्वायर dx, यहाँ पे 2-3x को टी लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x का dx इक्वल टू dt, यानी कि dx इक्वल टू माइनस का 1/3 dt, तो ये आया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√5 का स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर एंड dx की वैल्यू है माइनस का 1/3 dt, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1/3 बाहर 1/√5 का स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर एंड dt, फॉर्मूला लगेगा 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि 1/a टेन इनवर्स ए की जगह रूट फाइव है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टी अपॉन रूट फाइव प्लस सी, और टी की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे 2-3x, वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप में इसी में क्वेश्चन है, आई इक्वल टू दिया है जैसे 1/b² प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1/b² प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इस टाइप में क्या करना होगा, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म था, इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, एक्स का होल ऑफ स्क्वायर dx, यानी ax को t लेट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a dx इक्वल टू dt आ जाएगा, देन dx इक्वल टू 1/a dt, देन
आई इक्वल टू हुआ वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंड डी एक्स की वैल्यू हुआ वन अपॉन ए डी टी, देन वन अपॉन ए यहाँ बाहर पहुँचा बी स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर डी टी, तो वन अपॉन ए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक ही जगह बी चला है तो वन अपॉन बी टेन इनवर्स टी अपॉन बी प्लस सी, टी की वैल्यू ड्रा कर देंगे, टी की वैल्यू है ए एक्स, तो आंसर हो जाएगा वन अपॉन ए बी एंड टेन इनवर्स ए एक्स अपॉन बी प्लस सी, ठीक है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टू एक्स प्लस पाई बाई टू डी एक्स, ठीक है तो यहाँ पे साइन का जो फॉर्मूला है टू एक्स प्लस पाई बाई टू साइन नाइन्टी प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बदल गया साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा यानी कि कोस 2x हो जा रहा है, तो 2x को फिर भी टी मानना पड़ेगा कुछ, यानी कि 2dx इक्वल टू dt, हम इसको डायरेक्ट पूरे को टी मान के भी कर सकते थे, dx इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई टू dt एंड I इक्वल टू इंटीग्रेशन हो गया एंड cos t dx की वैल्यू 1 बाई टू dt, 1 बाई टू बाहर cos t का इंटीग्रेशन करेंगे, cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t, sin t प्लस c यानी कि 1 अपॉन 2 sin 2x प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन m पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस का कोस n पाई बाई टू माइनस का x dx, ठीक है इस टाइप से अगर क्वेश्चन है तो इसको अलग अलग दो पार्ट में हम बांट लेते हैं, साइन m पाई बाई टू प्लस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस n पाई बाई टू माइनस का x dx, इसको अलग लेट कर लेंगे, इसको अलग लेट किया m पाई बाई टू प्लस एक्स को हमने t1 लेट किया एंड n पाई बाई टू माइनस एक्स को t2 लेट किया, t1 एक पोर्शन में t1 लेट किया एक पोर्शन में t2 लेट किया, इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो यहाँ पे m पाई बाई टू का m पाई बाई टू का जीरो होना है, कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज़ है, इसको अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग करके लिख दें तो क्लियर हो जाएगा किसका जीरो होना किसका नहीं होना, ऐसे यहाँ पे एन पाई बाई टू माइनस का एन एक्स इक्वल टू टी टू डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा प्लस का एम डी एक्स इक्वल टू डी टी वन, ऐसे ही यहाँ पे जीरो माइनस का एन डी एक्स इक्वल टू डी टी टू, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एम डी टी वन और ये डी एक्स इक्वल टू माइनस का वन अपॉन एन डी टी टू, यहाँ पे वैल्यू ये रखनी है और ये वाली यहाँ पे रखनी, ये टी वन हो गया ये टी टू हो गया। नेक्स्ट लाइन लेते हैं, तो इसको t1 वन एंड टी माना गया है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t1 वन एंड dx की वैल्यू 1 अपॉन m dt1 और यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन n था एंड cos यह था t2 एंड dx की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन n dt2, ठीक है इंटीग्रेशन करेंगे 1 बाई m यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यह हो जाएगा 1 बाई m इंटीग्रेशन ऑफ साइन t1 वन डी टी वन माइनस 1 बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी टू डी टी टू, तो ये हो गया 1 अपॉन एम साइन का माइनस का कोस टी वन एंड कोस टी टू का हो जाएगा साइन टी टू प्लस सी, टी वन टी टू की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाएगी, टी वन की वैल्यू था एम पाई बाई टू प्लस का एक्स और ये हो जाएगा साइन एन पाई बाई टू माइनस का एक्स प्लस सी, ठीक है वैल्यू ड्रा कर दिया, ड्रा करने के बाद सोल्व हुआ जो आया वो इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आल टाइप का एक एक का क्वेश्चन मिनिमम कर दें, कम से कम एक एक दो दो हो जाए तो क्लियर रहता है कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आता है। क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर सेवन एक्स प्लस टू है गर्ल, तो यहाँ पे सेवन एक्स प्लस टू को टी लेट करेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि सेवन डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा एंड डी एक्स इक्वल टू वन पॉइंट सेवन डी टी, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी एंड वन पॉइंट सेवन डी टी, यहाँ टी हो इसके डी एक्स की वैल्यू ये रख दिया वन पॉइंट सेवन सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर का हो जाएगा टेन टी प्लस सी यानी कि वन पॉइंट सेवन टेन, टी की वैल्यू था सेवन एक्स प्लस टू प्लस सी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट वन प्लस का साइन एक्स बाई टू,
आप देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से आ गया, वन प्लस का साइन एक्स बाई टू, तो यहाँ पे जो है रूट हटाना ही पड़ेगा, ऐसे बिना रूट हटाए बात बनेगी नहीं। तो यहाँ पे वन को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस का कोस स्क्वायर एक्स बाई फोर। एक्स बाई फोर इसलिए रखा है क्योंकि साइन एक्स बाई टू को तोड़ेंगे तो टू साइन एक्स बाई फोर एंड कोस एक्स बाई फोर बनेगा, तो ताकि यहाँ पे फॉर्मूला बन पाए। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा इंटर रूट साइन एक्स बाई फोर प्लस का कोस एक्स बाई फोर का होल ऑफ स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई फोर डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन कोस एक्स बाई फोर डी एक्स हो जाएगा। एक्स बाई फोर को टी लेट कर लेते हैं, एक्स बाई फोर इक्वल टू टी, यानी कि डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा फोर डी टी। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद डी एक्स इक्वल टू फोर डी टी आएगा। तो क्वेश्चन हुआ आगे हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टी एंड फोर डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी इंटू फोर डी टी। फोर कॉमन बाहर निकालेंगे, साइन टी डी टी प्लस का फोर इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी डी टी, तो ये हो जाएगा फोर साइन टी का हो जाएगा माइनस कोस टी, माइनस का कोस टी एंड कोस टी का होगा साइन टी प्लस सी। टी का वैल्यू था एक्स बाई फोर, टी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये होगा माइनस का फोर कोस एक्स बाई फोर प्लस का फोर साइन एक्स बाई फोर प्लस सी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ क्वेश्चन है हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर थ्री एक्स प्लस फोर, ई की पावर थ्री एक्स प्लस फोर यानी कि थ्री एक्स प्लस फोर को टी लेट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, देन डी एक्स इक्वल टू वन अपॉन थ्री डी टी। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर टी एंड डी एक्स का हो गया वन अपॉन थ्री डी टी, तो वन अपॉन थ्री इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी, ई की पावर टी का ई की पावर टी हो जाएगा, तो वन अपॉन थ्री ई की पावर टी था थ्री एक्स प्लस का फोर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की पावर वाला बहुत क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है हमारा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन की पावर सिक्स एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी आया करता है। तो यहाँ पे एक सिक्स एक्स को टी लेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई होगा ए की पावर एक्स डी एक्स, यानी ए की पावर एक्स अपॉन लॉग लॉग ए बाय सी ये अप्लाई होना है। यहाँ पे सिक्स एक्स को हमने टी लेट किया यानी कि सिक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो डी एक्स इक्वल टू होगा वन अपॉन सिक्स डी टी। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन की पावर टी एंड वन पॉइंट सिक्स डी टी, तो वन पॉइंट सिक्स इंटीग्रेशन टेन की पावर टी डी टी, वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर टी अपॉन लॉग लॉग टेन बाई सी प्लस सी। यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर देंगे, वन पॉइंट सिक्स ये हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स टेन की पावर इंटू टेन की पावर सिक्स एक्स अपॉन लॉग टेन बाई सी प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये दो क्वेश्चन है कोस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का। एक ऐसा ही क्वेश्चन आता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों एक ही स्टाइल से करने हैं। तो इसमें जो माना जाता है रूट एक्स को टी लेट करते हैं, जो अंडर रूट एक्स है अंडर रूट एक्स को टी लेट करते हैं, यानी एक्स की पावर वन बाई टू इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन बाई टू एक्स की पावर वन बाई टू माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो वन अपॉन टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू यानी कि रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू टू डी टी हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है इसको हम टू टू डी टी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस टी एंड ये हो गया टू डी टी। ऐसे ही साइन वाले में भी इसी तरह से करना, टू बाहर लिया कोस टी डी टी, कोस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी प्लस सी, यानी कि टू साइन रूट एक्स प्लस सी, टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी। इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी होना है साइन रूट एक्स अपॉन एक्स वाला, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, सेम इसी टाइप से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है वन प्लस एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स। दो अलग अलग टर्म में तोड़ दिया, वन प्लस एक्स के अपॉन में एक साथ ले लेंगे और एक्स स्क्वायर के अपॉन में एक साथ पोर्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पे वन प्लस एक्स से वन प्लस एक्स कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का इंटीग्रेशन वन प्लस एक्स डी एक्स, तो यह हो जाएगा एक्स की पावर
पावर माइनस टू डी एक्स प्लस का ये हो जाएगा लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी, एक्स की पावर माइनस का टू प्लस वन अपन माइनस टू प्लस वन प्लस का लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी, यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स प्लस का लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी, माइनस वन अपॉन एक्स प्लस का लॉग वन प्लस एक्स प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस का कोस फोर एक्स अपॉन कोट एक्स माइनस का टेन एक्स डी एक्स। कोस फोर एक्स था, कोस फोर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं, वन काट सकते हैं, कोट एक्स माइनस टेन एक्स को भी हम लिख सकते हैं कुछ। तो यहाँ पे हमने लिखा टू कोस स्क्वायर टू एक्स माइनस वन, वन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स एंड डी एक्स। यहाँ से वन कैंसिल हुआ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू कोस स्क्वायर टू एक्स अपॉन नीचे हुआ कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस एक्स, इसकी मल्टीप्लाइंग यहाँ ऊपर पहुँच जाएगी एंड ये जो पोर्शन बनेगा हमारा नेक्स्ट लाइन देखिएगा, आई इक्वल टू हुआ इंटीग्रेशन टू कोस स्क्वायर टू एक्स इंटू ये साइन एक्स कोस एक्स ऊपर मल्टीप्लाइंग में पहुँचा साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स कोस टू एक्स होता है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टू कोस स्क्वायर टू एक्स इंटू साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस टू एक्स, कोस टू एक्स से कैंसिल किया स्क्वायर कैंसिल हो गया, उसके बाद जो बचता है नीचे वाला पोर्शन कुछ नहीं बचा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस टू एक्स इंटू टू को यहाँ मल्टीप्लाइंग में ले जाएंगे टू साइन एक्स कोस एक्स एंड डी एक्स, टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स हो जाएगा, कोस टू एक्स इंटू ये हुआ साइन टू एक्स डी एक्स, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दे दें तो यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन टू एक्स कोस टू एक्स, यानी कि साइन फोर एक्स, साइन फोर एक्स का फॉर्मूला हुआ इंटीग्रेशन ऑफ साइन फोर एक्स, यहाँ पर फोर एक्स को टी लेट करेंगे, फोर एक्स को टी लेट करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, आई इक्वल टू हुआ वन बाई टू इंटीग्रेशन साइन फोर एक्स डी एक्स, फोर एक्स को टी लेट किया यानी कि फोर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा एंड डी एक्स इक्वल टू वन पॉइंट फोर डी टी, डी एक्स इक्वल टू वन पॉइंट फोर डी टी, देन आई इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन यहाँ पे हुआ साइन टी एंड डी एक्स की वैल्यू वन बाई फोर डी टी, तो आई इक्वल टू हुआ वन बाई एट इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस टी प्लस सी, यानी कि माइनस का वन पॉइंट एट कॉस फोर एक्स प्लस सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा, एक क्वेश्चन इस वीडियो में और रखते हैं ताकि क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस टू अपॉन फाइव एक्स माइनस का टू एंड प्लस ए की पावर थ्री एक्स प्लस टू, ये दिया था तो इसको दो अलग अलग पोर्शन में हम बांट सकते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस टू अपॉन फाइव एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए की पावर थ्री एक्स प्लस का टू डी एक्स, यहाँ पे इसको टू अपॉन फाइव एक्स माइनस टू को टी वन लेट कर लेंगे एंड थ्री एक्स प्लस टू को टी टू लेट कर लेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन करने में बनेगा टू अपॉन फाइव डी एक्स इक्वल टू डी टी वन एंड यहाँ पे थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी टू, थ्री डी एक्स इक्वल टू डी टी टू, तो यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा फाइव बाई टू डी टी वन एंड डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन थ्री डी टी टू। वैल्यूज पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी वन डी एक्स की वैल्यू है फाइव बाई टू डी टी वन प्लस ए की पावर टी टू डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन थ्री डी टी टू, इंटीग्रेशन कर दिया जाए एंड आई इक्वल टू हुआ फाइव बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी वन डी टी वन प्लस वन अपॉन थ्री ए की पावर टी टू डी टी टू, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कोस टी वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी वन, टी वन की वैल्यू पुट कर देंगे फाइव टू अपॉन फाइव एक्स माइनस टू एंड वन अपॉन थ्री ए की पावर टी का ए की पावर टी अपॉन लॉग ए बे सी प्लस सी हो जाएगा। वैल्यूज ऑफ टी वन टी टू की वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, टी वन टी टू की जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा फाइव बाई टू साइन टी वन की वैल्यू था टू अपॉन फाइव एक्स, टू अपॉन फाइव एक्स माइनस टू एंड टी टू था थ्री एक्स प्लस टू, वन अपॉन थ्री ए की पावर थ्री एक्स प्लस टू अपॉन लॉग ए प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा।